दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीएबीएससी बीकॉम का जो रिजल्ट है वो कैसे चेक करें। जैसे कि दोस्तों, आप फर्स्ट में हैं या थर्ड में हैं या आपका सेकंड है, तो दोस्तों यहाँ पर कैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी रिजल्ट आउट हुए हैं बीएबीएससी बीकॉम पे, तो आप उन रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा, तभी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम चेक करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का, और अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी का देखना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे क्या चेक करना है, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, अभी तक अगर हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके घंटी कुल पर प्रेस कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, आपको तुरंत तुरंत यहाँ पर अप्लाई मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा, क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ब्राउज़र को, जो भी है वो आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी रिजल्ट, ठीक है। आपको सर्च करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी रिजल्ट, ये लिखा है, यही आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उसको ऊपर वाली वेबसाइट के ही ऊपर आपको क्लिक कर देना है, या फिर नीचे वाली वेबसाइट पर किसी पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह के पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है। अब उसके बाद उसको फर्स्ट वेबसाइट देख रही, ओड सेमेस्टर रिजल्ट 2024-23, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स के ऑप्शन पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आप कर रहे हैं बीएबीएससी बीकॉम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बीएससी का चेक करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम बीएससी को ही सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बीएससी हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेमेस्टर आपका कौन सा है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट है, थर्ड है, तो हमारा है फाइव सेमेस्टर, तो फाइव सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद उसको एग्ज़ाम टाइप में आपको रेगुलर रख देना है, और उसके बाद सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर तो आपका है, यही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसमें यहाँ पर रोल नंबर डालकर और यहाँ पर अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जो आपका आधार में डेट ऑफ बर्थ है जो होता है, ठीक है, और रोल नंबर, और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें डालकर हम सबमिट पर डायरेक्टली क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर मैंने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया और फाइनली यहाँ पर हमारा रिजल्ट वो आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना रिजल्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। आओ तो आसानी तरीके से, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।